तो सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर में आके, इन पेज में आके हम उर्दू को टाइप करेंगे। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर और ये एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। उर्दू लिखने के लिए यहाँ पे उर्दू आना चाहिए, तो क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ से उर्दू का ऑप्शन लेंगे। एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ से कीबोर्ड प्रेफरेंसेस लेंगे, यहाँ से कीबोर्ड लेके फोनेटिक इसको देखेंगे, क्लिक करेंगे। तो इसमें खुद ही बता रहा है छोटे ए से अलीफ आएगा, बड़े ए से अलीफ मद्दा आएगा, छोटे जेड से जेड आएगा और बड़े जेड से जाल आएगा। इसको क्लिक करके क्लोज़ करेंगे, इसको ओके करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉन्ट साइज़ को बढ़ा देंगे। फॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम आके क्या लिखना है, इस तरह के अपने स्कूल वगैरह के लिए एड्स बनवाने के लिए रابطہ करें, तो ये हमने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अभी हम टाइप करते हैं क्लिक करके इस तरह के, ठीक है। इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, यहाँ से क्लिक करके 36 का फॉन्ट ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह के। अब ये थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको आगे ले लेंगे इस तरह के टाइप टूल ले लेते हैं। हाँ, इस तरह के आगे क्या था, इस तरह के अपने स्कूल वगैरह के लिए, इस तरह के अपने के लिए, ठीक है, के लिए एड्स बनवाने के लिए रابطہ करें, एड्स ठीक है। ये हमने इसमें टाइप कर लिया। उसके बाद पिक टूल लेके इस पर क्लिक करना है, जहाँ मूव करना है फॉन्ट साइज वगैरह को, फाइल में जाना है, इसको एक्सपोर्ट करना है और जितना भी उर्दू से रिलेटेड स्टफ़ है वो पहले से इस तरह से आपने कर लेना है। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में जाके और यहाँ पे क्लिक करते हैं उर्दू के फोल्डर पर। इन पेज के फोल्डर में चले गए, यहाँ से आपने लेना है ईपीएस फाइल कॉम्पो सर्वर और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सपोज टू बी ब्लॉसम 01 के नाम से। ये टेक्स्ट सेव हो जाएगा। अब अगर आपको कोई दूसरा टेक्स्ट भी लिखना है, अगर हमारे इसके अंदर कोई दूसरे जगह पर उर्दू में लिखा हुआ है, सपोज टू बी जैसे इसने लिखा हुआ रजा ग्राफिक्स, हम लिख देते हैं राशिद ग्राफिक्स और वो मैं उर्दू में टाइप करना चाह रहा हूँ, तो इसके अलावा यहाँ पे दोबारा कंट्रोल ए किया, आर ए राशिद और यहाँ पे लिख के हमने कर दिया ग्राफिक्स, तो राशिद ग्राफिक्स लिख के हमने कंट्रोल ए किया। फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज वर्जन में डालेंगे हम इसके, तो ये 72 पे कर दिया, क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल में जाके इसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको ईपीएस पे सेट करेंगे और इसको ब्लॉसम 2 के नाम से सेव कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई। अब इन पेज को मिनिमाइज़ कर दें और फोटोशॉप को लोड कर लें। तो यहाँ से जाइए पीएस के ऊपर, जैसे ही क्लिक करेंगे फोटोशॉप के ऊपर, तो पहले हम इसका मेन डिज़ाइन बना लेते हैं और इस पर ही कर लेते हैं। अब ये फेसबुक की अगर पोस्ट है तो ये 1:1 के रेशो में होती है, मतलब जिसके विड्थ और हाइट सेम होगी। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ से जाके न्यू कर लेते हैं यहाँ से, और न्यू करने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं इसके ऊपर और यहाँ पे हमारे पास वेब से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो वेब में तो 1:1 रेशो नहीं मिलेगा, फिल्म मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियोस में देखते हैं कि कोई 1:1 का चले। अगर नहीं भी मिल रहा है कोई इसका रेशो तो कोई मसला नहीं, वेब पे रखें और यहाँ पर इसके पिक्सल्स को 1200x200 पिक्सल्स पर रख लें और पिक्सल्स का रेशो शुरू में 200 रख लें, ओके कर लें, तो ये वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको मिल जाएगा। डबल क्लिक करके ओके करके अनलॉक कर लें। अनलॉक करने के बाद अब ये जो पोस्ट का जो मामला है, पहले डिज़ाइन और कलर थीम को चेक कर लेते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जो बना रहे हैं वही कलर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं और वो कलर समझ में नहीं आ रहे होते, उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन एक तरीका ये है कि जिस फ़ोटो को देख के आप बना रहे हैं वाई नोट के, उसी फ़ोटो को आप ओपन कर लें। तो यहाँ से हम चले गए, क्लिक किया यहाँ से, डॉक्यूमेंट्स में चले गए और उसी फोल्डर में चले गए पीएस के अंदर और यहाँ पर जाके हमने जो पोस्ट बना रखी थी उसका नाम था पीएस असाइनमेंट्स के अंदर था, तो यहाँ पे जाके हमने क्लिक किया और ये वाली पोस्ट जो है हमने यहाँ से जाके इस पर ओपन कर लिया। अब वो कलर्स जो मुझे रिक्वायर्ड हैं तो मैं इस पर डबल क्लिक करके अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक करके यहाँ से मैं आई ड्रॉपर ले लेता हूँ। अब उसके लिए देखें ट्रिक क्या यूज़ करते हैं कि एक नया लेयर ले लें, एक नए लेयर के ऊपर दो शेप्स बना लें। तो ये एक शेप मैंने ये बना लिया, ठीक है, और एक शेप बनाने के बाद इसके फिल पे क्लिक करने से पहले मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, यहाँ पर ऑफ़ कर लिया। एक और शेप बनाएंगे, अभी पहले देखते हैं इस शेप के लिए। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लिया। आई ड्रॉपर टूल लेने के बाद
इसके ऊपर क्लिक किया कलर के ऊपर, ये कलर चूज़ हो गया। कलर चूज़ होने के बाद यहाँ से इस कलर पे कोड को कॉपी किया, कंट्रोल सी से यहाँ पे गया और इस पर शेप पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे वो कलर कोड पेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो ये कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाना चाहिए। अब वो क्यों नहीं हुआ, शायद शेप के अंदर फिल को नन कर रखा था, तो ये कलर यहाँ पर आ गया, इसको भर दिया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा शेप बनाया, इसी का कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट किया, तो कंट्रोल जे करके जैसे डुप्लीकेट किया एक दूसरा शेप बनाया और उसको उठा के हमने इसके बराबर में ऐसे प्लेस कर लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ये वाला कलर को चाहिए था हमें, तो ये वाला कलर हमें रिक्वायर्ड था, तो हमने फिर इसके ऊपर क्लिक किया आई ड्रॉपर टूल के ऊपर, तो आई ड्रॉपर ये रहा, उस पर क्लिक करके कलर कोड हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। क्लिक करके चूज़ कर लें, यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लें और यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर लें और यहाँ पे इस शेप में डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें और ओके कर दें, तो ये दो कलर्स आ गए। तीसरा कलर तो वाइट और चौथा कलर ब्लैक है, तो वो तो वैसे ही रहेंगे। अब कलर का डिज़ाइन जो बना लेते हैं और एक पिक्चर लगानी है, तो इस डिज़ाइन को आसानी से हम बना लेंगे। ये देखिए डिज़ाइन कैसे बनेगा, तो इस डिज़ाइन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये वाला हिस्सा कैसे बनेगा। तो इस चीज़ को बनाने के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है, एक नया लेयर ऐड करा लेना है और उस पर एक शेप बनाना है। शेप यहाँ से सेलेक्ट करना है, इसको रेडियस 20 का रखा हुआ है, तो देखिए 20 का रेडियस ऐसे आ रहा है, तो हम इसको ले लेते हैं 40 या 50 का रेडियस लेते हैं और इसको इस शेप को इसके ऊपर इस तरह से क्रिएट करते हैं। अब 40-50 के रेडियस के ऊपर अगर हम देखें तो हमें ये ऐसा बना हुआ नज़र आएगा, जिसमें थोड़ा इतने रेडियस पे काम नहीं होगा। इसको हम डिलीट कर लेते हैं शेप को और यहाँ से एक और नया लेयर ले लेते हैं। तो ये डिलीट हो गया यहाँ से और नया लेयर ले लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और उस नए लेयर पे क्लिक करके इसी शेप को 100 के रेडियस पे बनाने की कोशिश, 80 के रेडियस पे बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर अब कलर चाहिए हमें जो ये वाला, और इसके आउटलाइन पर कलर चाहिए हमें ये वाला, तो यहीं से इस कलर को पहले पिक कर लें और फिर इसको ड्रॉ करें, तो ये कलर मेरा ख्याल है सही रहेगा। तो इसको मैं इस तरह से बना लेता हूँ कुछ शेप को, तो ये बन गया शेप। अब इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा मोटा करना है, तो यहाँ पे जाके इसके स्ट्रोक पे क्लिक करके 20 पिक्सल का स्ट्रोक लगाया। अच्छा, अगर ये डायरेक्टली इस पर अप्लाई हो रहा है तो ये देखिए कितना मोटा चाहिए, इतना सही रहेगा, जो कि तकरीबन 36 हो रहा है, 36 ज़्यादा हो जाएगा, 30 कर देते हैं इसको, 30 के पिक्सल्स पे लगा के इसको क्लिक कर दिया। क्लिक किया, यहाँ पे कंट्रोल टी दबाया, शिफ्ट के साथ इसको ऐसे रोटेट किया और इसको ऐसे करके यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि कुछ इस तरह से बाहर निकला हुआ है, तो ये इस तरह से बन गया, ओके। और कितना ऊपर है कितना नीचे है, अभी भी थोड़ा सा इसमें है कि ये थोड़ा और गोल होता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, लेकिन अगर थोड़ा गोल नहीं हो पा रहा तो कोई मसला नहीं है, इसको इसी तरीके से लेके हम इस पर यहाँ लगा देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक शेप आपका निकल आया। दूसरा शेप आपने निकालना है ये सर्किल, तो इस सर्किल के लिए आपने भी एक न्यू लेयर लिया, सेलेक्ट किया हमने यहाँ से, इसको क्लिक किया, फिल में ये रखा हुआ, स्ट्रोक पे ये रखा हुआ, इसी तरह से चाहिए। 30 पे ही क्लिक करके आपने सर्किल को क्रिएट किया इस तरीके से, ये सर्किल क्रिएट हो गया। इस पर भी आपने स्ट्रोक इसका लगा दिया 30 पिक्सल का, तो लगाने के बाद इसको थोड़ा सा 30 पिक्सल अप्लाई हो गया और उसके बाद देखिए इस तरह से दिखाई देना है, थोड़ा सा बाहर है ऊपर है, तो यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा बाहर है और थोड़ा सा ऊपर है, तो ये इस तरह से दिखाना है। लेकिन बीच के गैप को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कंट्रोल टी कर लें यहाँ से, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, तो ये बीच का गैप भी निकला है जिसके ऊपर ये टेक्स्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसके नीचे वाला मामला है, तो यहाँ पे क्लिक करके एक और लेयर ऐड कराया और इसके नीचे ये चीज़ क्रिएट करनी है। अब ये है क्या जो क्रिएट हुआ हुआ है, देखिए इसके लिए मैं बताता हूँ कि एक शेप है ये इस तरह का जो इस पर क्रिएट हुआ हुआ है, इस पर कस्टम शेप्स में चले गए, यहाँ पे क्लिक करके आपने नीचे से आए और यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये वाला शेप मिलेगा, क्लिक करेंगे इस शेप के ऊपर और ये बैनर शेप है, इसको इस तरह से बना लें। अब ये जो शेप आप बनाएंगे तो यहाँ पे तो इस तरह से है और वो इस तरह से है, तो भाई ये कैसे होगा, कोई मसला नहीं है, इसको कंट्रोल टी दबाएँ, ट्रांसफॉर्म को एक्टिवेट करें और इसको इस तरह घुमा लें, फिर भी ये ऐसे ही आ रहा है। अच्छा जी, अब इसका मसला ये कि ये इस तरह से आ रहा है और मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ तो भी ये साइड ऊपर आ रहा है, तो एडिट में जाएं, इसको जाएं फ्लिप में जाएं और फ्लिप करके इसको वर्टिकल कर लें, तो ये देखें इस तरह से हो गया। उसके बाद क्लिक करके कंट्रोल टी दबाएं और इसको थोड़ा बड़ा कर लें, इतना बड़ा कर लें कि ये इसके अंदर पूरा कवर हो जाए और इसको इस तरह से नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो ये शेप इस तरह से निकल आया, क्लिक करें इस पर अप्लाई कर दें और उसके बाद इसी का एक कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट कर लें और फिर थोड़ा सा उसमें ऑरेंज कलर के साथ दिखाना है, तो भाई इस पर डबल क्लिक करके पीछे वाले को डबल क्लिक कर लें और उस पर ये वाला कलर चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके वो कलर पिक कर लें, ओके कर लें, तो ये कलर इसके ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। कंट्रोल टी दबाएं, रोटेशन पॉइंट को इसके कॉर्नर पर रखेंगे इस जगह पर और फिर इसको रोटेशन को इस तरह से थोड़ा ऊपर करेंगे, तो इसके बाद ये इस तरह से नज़र आएगा। क्लिक करके इसको ऐप से दिखाएं, लेफ्ट एरो से थोड़ा आगे करके कवर कर दें, तो ये आपको इस तरह दिखाई देने लग जाएगा और ये इस तरह दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और इसको ऊपर करना है, कंट्रोल टी दबाएं, रोटेशन पॉइंट को फिर इस कॉर्नर पर रखें, फिर थोड़ा सा इसको इस तरह से ऊपर करें, देखो ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा ऊपर करना है, ओके, तो इस तरह से आ गया। इसको थोड़ा सा क्लिक करके अप्लाई करें और इसको आगे कर लें, ताकि आगे करने पे और नीचे करने पे ऐसे नज़र आए। कंट्रोल टी करें, थोड़ा सा इसको रोटेट करके ऊपर करें, ओके, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देने लग जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह का डिज़ाइन इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। फिर बाकी रह गए
ये वाले डिज़ाइंस, तो इन डिज़ाइंस को भी क्रिएट करना आसान है। ये मैंने सिर्फ कलर को पिक करने के लिए बनाए थे, ठीक है, बाद में इनको भले हटा देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से अभी हमें जो डिज़ाइंस लेने हैं, तो इन दो बॉक्सेस को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी के साथ, ऑल्टर शिफ्ट के साथ, अगर हम इसको और छोटा कर दें, ये भी सिलेक्ट हो गया, क्लिक किया यहाँ पे शिफ्ट के साथ, इसको कंट्रोल टी दबाया, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इन बॉक्सेस को मैंने और छोटा कर दिया, पकड़ के यहाँ ऊपर रख दिया, कोई मसला नहीं, अप्लाई कर दें। अब जो अगला आपने बनाना है शेप, यहाँ पर क्लिक करके बिल्कुल गोल बनाना है, तो यहाँ से क्लिक करके आपने कस्टम शेप्स पर क्लिक कर लेना है, राउंडेड रेक्टेंगल ले लेना है। उसके बाद क्या करना है भाई, ये इस तरह से गोल होना चाहिए, तो वैसे ही इसका गोला गोल बन रहा है, बिल्कुल गोल हो रहा है, इतना गोल नहीं चाहिए हमें, तो बिल्कुल गोल हो रहा है, इतना गोल नहीं चाहिए, तो हमें इसका जो ये वाला शेप है, इसका रेडियस जो 80 पे रखा हुआ है, इसको कम करके 40 पे कर दें। जैसे ही 40 पे करेंगे तो इसका स्ट्रोक जो है ख़त्म कर दें, इसके स्ट्रोक को ख़त्म करके बनाएंगे तो ये देखिए ऐसा शेप निकल आएगा। निकलने के बाद आपने इसमें कौन सा कलर, यही कलर रखना है, ठीक है, सेट करें, इसको उठा के यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद इसी शेप की एक और शेप बनाना है, यहाँ पे एक और न्यू लेयर ले लें, इसी शेप को बनाना है दोबारा से, और उसमें अब के इसके अंदर ये कलर भी शेप रखना है, और स्ट्रोक को खाली कर देना है, और इस शेप को इस तरीके से आपने क्रिएट करना है। तो ये देखें शेप क्रिएट हो गया, और उसके बाद आपने उठा के इसको यहाँ पे उठा के इसके अंदर इस तरीके से प्लेस कर देना है, ये इस तरह से डिज़ाइन बन गया। अब रह गया कि इसके अंदर फ़ोटो कैसे लगाना है, और इसका स्ट्रोक तो आया ही नहीं, स्ट्रोक क्यों नहीं आया, स्ट्रोक खाली कर रखा है, तो यहाँ पे स्ट्रोक का 30 पिक्सल का लगा दें, क्लिक करके इस तरह से आ जाएगा। जो फ़ोटो लगाना है यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लें, फोटो आपके पास होना चाहिए, चाहे आप वो pixels.com से ले लें या किसी भी वेबसाइट से ले लें। लेटेस्ट पे क्लिक करें तो मैं इस तरह का फ़ोटो, पढ़ने लिखने वाला कोई फ़ोटो, तो वो पढ़ने लिखने वाला फ़ोटो का है, ये फ़ोटो ले लेते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर देते हैं, इस पिक्चर के ऊपर कंट्रोल वी कर दिया, फोटो आ गया, कंट्रोल टी कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, और इसको उठा के इस पर क्लिक करने के बाद ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर लिया, और यहाँ पे क्लिक करके इसको सेट करते चले गए, ठीक है। तो इसको फ़ोटो को इस पर ऐसे एडजस्ट कर दिया, क्लिक किया, इसको ऊपर कर दिया, अप्लाई कर दिया, और इस पर क्लिक करने के बाद इसको उठा के ऊपर कर दिया, इस पर राइट बटन दबाया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया, तो फ़ोटो को ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, तो क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया, तो ये देखें इस पर इस तरह से आ जाएगा। क्लिक करके इसको आप यहाँ से इस तरह से आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जैसा फ़ोटो वैसा दिखा सकते हैं। अब आता है उर्दू वाला मामला कि वो उर्दू कैसे आएगी। वेरी सिंपल, कंट्रोल ओ करेंगे, कंट्रोल ओ करके कहाँ सेव किया था हमने, डॉक्यूमेंट्स में गए, यहाँ से क्लिक करेंगे इन पेज के फोल्डर में, ये अभी हमने सेव की थी फाइल्स, तो उस पर राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से रखेंगे सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड के ऊपर, तो ये आ गया blossom 1 blossom 2। पहले blossom 1 को खोल लेते हैं, क्लिक करके यहाँ से इसको 300 पिक्सल पर रख लेते हैं, 300 पिक्सल पर इस फाइल को ओपन करेंगे, ये टेक्स्ट आ गया, कंट्रोल का बटन होल्ड करेंगे या कंट्रोल के साथ ए दबा लें, कंट्रोल सी कर लें, कॉपी हो गया, अपने इस पर आएँ, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लें, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म कर लें, यहाँ से इसको उठा के इस तरीके से अरेंज कर लें जैसे आप चाहते हैं, और इसको उठा के यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लें, जूम करें थोड़ा सा, अल्टर शिफ्ट के साथ और छोटा करके यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये उर्दू का फॉन्ट आप इसमें इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। बाकी रहेगी अपना टेक्स्ट का नाम वगैरह लेना है, तो कंट्रोल ओ करें, और वहाँ पे हमारे पास blossom 1 भी था, तो blossom 1 हो गया, blossom 2 को एंटर किया, यहाँ पे भी 300 की रेजोल्यूशन के साथ इसको ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल ए दबाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ से ले जाके इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल टी दबा के इसको ऑल्टर शिफ्ट के साथ सेट कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अब आती है इसकी कलरिंग वगैरह के बाद, क्योंकि इसको एडिट तो कर नहीं सकते, तो क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसको क्लिक करते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में ले जाते हैं, और यहाँ पे ले जाने के बाद कलर ओवरले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी कलर या स्ट्रोक लगाना है इस पर लगा के क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये देखें इस तरह से नज़र आएगा, और ये टेक्स्ट इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरी जो पोस्ट हैं, इस तरह के जिस तरह के मामलात हैं, उनको ईजिली क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। हाँ।